हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लियन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये COVID-19 पर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के लिए फाइल होगी। और सबसे पहले इस पे आपका प्रमाण पत्र होगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होंगी। यह प्रमाणित किया जाता है कि स्टूडेंट नेम, कक्षा के छात्र या छात्रा जिन्होंने बोर्ड का नेम लिखेंगे, द्वारा संचालित परियोजना, प्रोजेक्ट नेम या टॉपिक का नेम को सफलतापूर्वक बनाया है, या परियोजना मेरे निर्देशानुसार तैयार किया गया है और परियोजना के दौरान छात्र छात्रा बहुत अच्छा मौलिकता और रचनात्मक प्रतिभा दिखाई। प्रधानाचार्य के या प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर और अध्यापक का हस्ताक्षर, ये दो चीज़ें आपकी सर्टिफिकेट पर बनेंगी। फिर आगे आ जाते हैं तो अगले पॉइंट में अभिस्वीकृति में आपको यहाँ पे अपना पूरा स्टेटमेंट देना होगा या एक्नॉलेजमेंट जिसे कहते हैं। मैं अपने या अपनी अध्यापक या अध्यापिका, उनका नाम लिखेंगे, का सहृदय धन्यवाद करना चाहता या चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने का यह अवसर प्रदान किया। इस परियोजना से मुझे, उसमें आप अपना नाम डालेंगे, के बारे में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला जो मुझे भविष्य के लिए सहायक होगा। मैं अपने माता पिता का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उनके महत्वपूर्ण सुझाव और निर्देश से मेरे या मेरी परियोजना को पूर्ण करने में सहायता मिली है। सहपाठियों, जिनकी वजह से मेरी या मेरा परियोजना पूर्ण हो सका, मैं उन सभी का धन्यवाद करता या करती हूँ और मैं भविष्य में भी ऐसी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने की आशा करता या करती हूँ। ये आप अपने हर असाइनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको अपना नाम डालना है। फिर आ जाते हैं सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें, कोरोना वायरस विश्व महामारी है जो विश्व स्तर की महामारी है। 2019-20 की शुरुआत एक नए किस्म के कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रूप में मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा और यह देखा गया कि पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग वुहान सी फूड मार्केट में मछलियां बेचते हैं तथा जीवित पशुओं का भी व्यापार करते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने बाद में कोरोना वायरस की एक नई नस्ल की पहचान की जिसे 2019 कोविड प्रारंभिक पदनाम दिया गया। इस नए वायरस में कम से कम 70% वही जीनोमा अनुक्रम पाए गए जो सार्स कोरोना वायरस में पाए जाते हैं। संक्रमण का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट नैदानिक PCR परीक्षण की विकास के साथ ही कई मामलों की पुष्टि उन लोगों में हुई जो सीधे बाजार से जुड़े हुए थे, और उन लोगों में भी इस वायरस का पता लगा जो सीधे उस मार्केट से नहीं जुड़े हुए थे। पहले यह स्पष्ट नहीं था कि यह वायरस सार्स जितना ही गंभीर या घातक है अथवा नहीं। 2020 जनवरी 20 को चीन प्रीमियर ली के क्यांग ने 20 जनवरी 2020 को चीनी प्रीमियर ली के क्यांग ने नोवल कोरोना वायरस के कारण फैलने वाली निमोनिया महामारी को रोकने और नियंत्रण करने के लिए निर्णायक और प्रभावी प्रयास करने का आग्रह किया। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। 14 मार्च 2020 तक दुनिया में इससे 58,000 मौतें हो चुकी थी। इस वायरस के पूरे चीन में और मानव से मानव संचारण का प्रमाण है। 9 फरवरी तक व्यापक परीक्षण में 88,000 से अधिक पुष्ट मामलों का खुलासा हुआ था, जिनमें से कुछ स्वास्थ्यकर्मी भी हैं। यह वायरस समय के साथ साथ अपनी गर्दा बढ़ाता ही जा रहा है। थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, मकाऊ, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, वियतनाम, भारत, ईरान, इराक, इटली, कतर, कुवैत और अन्य देशों में पुष्टि के मामले सामने आए। 23 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकोप का अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने का खिलाफ फैसला किया। WHO ने पहले चेतावनी दी थी कि एक व्यापक प्रकोप संभव था और चीन नव वर्ष के आसपास चीन के चरम यात्रा सीजन के दौरान आगे संचारण की चिंताएं थीं। कई नए साल की घटनाओं का संचारण के डर से बंद कर दिया गया, जिसमें बीजिंग में निबिंद शहर, पारंपरिक मंदिर, मेले और अन्य उत्सव समारोह शामिल हैं।
रोग की घटनाओं में अचानक वृद्धि ने इसके उद्यम वन्यजीव व्यापार वायरस के प्रसार और नुकसान पहुंचाने की क्षमता के बारे में अनिश्चितताओं से संबंधित प्रश्न उठाए। क्या यह वायरस पहले से अधिक समय से घूम रहा है और इसकी संभावना प्रकोप एक सुपर स्प्रेड घटना है। 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। इस प्रकार का आपातकाल WHO द्वारा 2009 के H1N1 के बाद छठा आपातकाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को कोरोना वायरस की महामारी को नया नाम COVID-19 दिया। COVID-19 से लगभग 1.5 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि लगभग 50 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति के कई संकेत और लक्षण, कोई भी संकेत और लक्षण नहीं है। हालांकि लक्षण प्रकट करने वाले लोगों में बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ और दस्त हो सकते हैं और मामूली से बहुत गंभीर हो सकते हैं। इस महामारी से बचाव के लिए सभी देशों की सरकार ने अपना अपना पूरा प्रयास किया, कई सारे ठोस कदम उठाए जो लोगों के बचाव के लिए महत्वपूर्ण थे। इन सभी के उपरांत आपका जीवन आपकी अमानत है, आप अपने आप को सुरक्षित रखें। कोरोना वायरस COVID-19 का इतिहास। COVID-19 महामारी, जिसे कोरोना वायरस महामारी के रूप में भी जाना जाता है, कोरोना वायरस रोग COVID-19 2019 की एक वैश्विक महामारी है जो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के कारण होता है। इस प्रकोप की पहचान सबसे पहले दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और 11 मार्च को महामारी घोषित किया था। 1 जुलाई 2020 तक COVID-19 के कुल 10.4 मिलियन से अधिक मामले 188 से अधिक देशों और क्षेत्रों में रिपोर्ट किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 5 लाख से अधिक मौतें हुई, 5.37 मिलियन से अधिक लोग ठीक हुए। वर्तमान में कुल 154 मिलियन मामले हैं, जिसमें 90.4 मिलियन ठीक हो चुके हैं और 3.22 मिलियन लोगों की मौत हो गई है। ये संख्या अभी बढ़ ही रही है। कई सिद्धांत हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि कल और कहां तेज कारण तथा कथित रोगी शून्य उत्पन्न हुई है। चीन सरकार की एक अप्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पहला मरीज व्यक्ति हुबई प्रांत का 55 वर्षीय नागरिक था। नवंबर में 4 पुरुषों से शुरू होने वाले रोगी शून्य नहीं थे। हुवाई में कोरोना वायरस के मरीज की संख्या धीरे धीरे बढ़ी, 20 दिसंबर तक 60 से 266 तक पहुंच गई। आधिकारिक चीनी स्रोत के अनुसार ये शुरुआती मामले ज्यादातर वुहान सी फूड होलसेल मार्केट से जुड़े थे, जो जीवित जानवरों को भी बेचते थे। मई 2020 में रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए चीनी केंद्र के निर्देशक जॉर्ज एक गोवा ने कहा कि समुद्री भोजन बाजार से एकत्रित किए गए पशु नमूने को वायरस के लिए नकारात्मक परीक्षण किया था। यह दर्शाता है कि बाजार प्रारंभिक प्रकोप का स्रोत नहीं था। 24 दिसंबर को वुहान केंद्रीय अस्पताल ने एक अनारक्षित नैदानिक मामले से अनुक्रमणिका कंपनी VLA द्वारा द्रव नमूना भेजा। 27 और 28 दिसंबर को दृष्टि चिकित्सा ने वुहान केंद्रीय अस्पताल और परीक्षण के परिणामों की चीनी CDC को सूचित किया। एक नया कोरोना वायरस सामने आया जब अज्ञात कारण का एक निमोनिया क्लस्टर 26 दिसंबर को देखा गया और हुबई प्रांतीय अस्पताल में डॉक्टर झांग जिप्सियन द्वारा इलाज किया गया, जिसमें 27 दिसंबर को वुहान जियांग CDC को सूचित किया। 30 दिसंबर को कंपनी की कैपिटल बायोमेड लैब से वुहान केंद्रीय अस्पताल को संबोधित एक परीक्षण शुरू हुआ, जिसमें बताया गया कि SARS के लिए एक गलत सकारात्मक परिणाम था, जिसमें वुहान केंद्रीय अस्पताल में डॉक्टर का एक समूह अपने सहयोगियों और प्रारंभिक अस्पताल अधिकारियों को सतर्क कर दिया। परिणाम उनमें से 8 डॉक्टर जिनमें
लिबोनियांग भी शामिल हैं, जिन्होंने 3 जनवरी को दंडित भी किया गया था। बाद में पुलिस द्वारा झूठी अफवाहों को फैलाने के आरोप में और एक अन्य डॉक्टर राइफेल को भय को बढ़ाने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा फटकार लगाई गई। उस शाम वुहान म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन ने विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को अज्ञात मामले के निमोनिया के उपचार के बारे में नोटिस जारी किया। अगले दिन वुहान म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन ने अज्ञात कारणों से निमोनिया के प्रकोप की पहली सार्वजनिक घोषणा की, जिसमें 27 मामलों में से एक जांच को ट्रिगर किया गया। प्रकोप के शुरुआती चरणों के दौरान मामले की संख्या लगभग हर 7.5 दिन में दोगुनी हो गई। जनवरी 2020 की शुरुआत में वायरस अन्य चीनी प्रांतों में फैल गया, जिससे चीन नववर्ष के प्रवास और वुहान को परिवहन केंद्र और प्रमुख रेल इंटरचेंज की शुरुआत से मदद मिली। 20 जनवरी को चीन में एक दिन में लगभग 140 नए मामले दर्ज किए। बीजिंग में 2 लोग और एक शेंजन में शामिल है। मार्च में प्रकाशित एक पूर्वव्यापी आधिकारिक अध्ययन में पाया गया कि 20 जनवरी तक उनमें से अधिकांश का बाद में निदान किया गया और अधिक संक्रमित बढ़ते गए। 26 जनवरी को अवधारणा में एक रिपोर्ट ने मानव संचरण को इंगित किया। श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की दृढ़ता से सिफारिश की और कहा कि वायरस के लिए परीक्षण इसकी महामारी क्षमता के कारण आवश्यक है। 30 जनवरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। इस समय तक प्रकोप 100 से 200 गुना के कारक में फैल गया था। 31 जनवरी 2020 को इटली में चीन से 2 पर्यटक आए थे। 13 मार्च 2020 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यूरोप को महामारी के सक्रिय केंद्र माना। 19 मार्च 2020 को इटली ने सबसे अधिक मौतों के मामले में चीन को पछाड़ दिया। 26 मार्च तक संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक मामलों के साथ चीन और इटली से आगे निकल गया। अनुसंधान आयन कोरोनावायरस जीनोम इंगित करता है कि न्यूयॉर्क में COVID-19 के अधिकांश मामले यूरोपीय यात्रियों के आए बजाय सीधे चीन या किसी अन्य एशिया देश से पूर्व नमूनों के रिस्टिंगिन में फ्रांस से एक व्यक्ति मिला जिसके पास 27 दिसंबर 2019 को वायरस था और एक व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 फरवरी 2020 को बीमारी से मृत्यु हो गई। 11 जून 2020 को 55 दिन के बाद स्थानीय स्तर पर प्रसारित मामले के बिना बीजिंग शहर में एक COVID-19 मामले की सूचना दी। 12 जून को 2 और मामलों के बाद 15 जून तक 79 मामलों की आधिकारिक पुष्टि की गई थी, जिसमें से अधिकांश मरीज सिनफेडी होलसेल मार्केट में गए थे। 1 जुलाई 2020 तक दुनिया भर में 10.4 मिलियन से अधिक मामले सामने आए थे। लगभग 5,11,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 5.37 मिलियन से अधिक लोग ठीक हो गए हैं। वर्तमान में पूरी दुनिया में 154 मिलियन से अधिक मामले COVID-19 के हैं, जिसमें से 91 मिलियन ठीक हो गए हैं और 3.23 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी दुनिया में सबसे अधिक मामले हैं, उसके बाद भारत और ब्राज़ील है। COVID-19 के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही रही और इसलिए सुरक्षित रहें। कोरोनावायरस COVID-19 वैक्सीन। SARS-CoV-2 वायरस, जो कोरोनावायरस बीमारी यानी COVID-19 का कारण बनता है, दुनिया भर में तेजी से फैल गया है। लाखों लोगों ने वायरस को अनुबंधित किया और इसमें लगभग 2 मिलियन मौतों का कारण COVID-19 है। प्रभावी टीके विकसित करने के लिए शोधकर्ता 24 घंटे काम कर रहे हैं, जिससे लोगों ने दिसंबर 2020 से शुरू कर दिया था। किन टीकों को मंजूरी मिली है? अब विभिन्न देशों में विभिन्न टीकों की मंजूरी मिल गई है और अब ये लोगों के लिए उपलब्ध है। उपलब्ध टीकों में टीकों को खाद्य और औषधि प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उन्हें यह
सबसे पहले उन्हें यह साबित करने के लिए परीक्षणों के 3 चरणों से गुजरना होता है कि वे सुरक्षित और प्रभावी हैं। अंतिम चरणों में दसों हजारों प्रतिभागियों को अपना योगदान देना होगा। अमेरिका में फेडा ने 2 टीकों की मंजूरी प्रदान की है। फाइजर बायोनेटिक कोविड-19 वैक्सीन, द मॉडर्न CoVID-19 वैक्सीन। जर्मनी में विकसित फाइजर बायोटेक वैक्सीन को 11 दिसंबर 2020 को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के रूप में फेडा की मंजूरी मिली। चरण 3 में एक परीक्षण में 43,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। लगभग आधे को एक प्लेसेबो मिला और आधे को 21 दिन के अलावा वैक्सीन की 2 खुराक मिली। परिणामों से पता चला कि यह टीका कोविड-19 से बचाव में 95% प्रभावी था। क्रेम्ब्रिज MA में विकसित मॉडर्न वैक्सीन 18 दिसंबर को अमेरिका में आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृत प्राप्त की। तीसरे चरण के परीक्षण में 30,000 स्वयंसेवकों को 28 दिन के अलावा वैक्सीन या वैक्सीन की 2 खुराक मिली। परिणामों ने संकेत दिया कि टीका 94% प्रभावित था। अन्य टीकों में विभिन्न देशों में उपयोग किए जाने वाले यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका। इस बीच नोवैक्स वैक्सीन वर्तमान में चरण 3 परीक्षणों से गुजर रहा है, जैसा कि जेनसेन का कोविड-19 वैक्सीन है। दोनों को US में स्थित कंपनियों द्वारा विकसित किया गया था। क्या टीका सुरक्षित है? वैक्सीन निर्माता को देश के स्वास्थ्य प्राधिकरण से अनुमोदन के लिए आवेदन करने से पहले एक टीके का कई चरणों से गुजरना पड़ता है। अमेरिका में फेडा इस मंजूरी देता है और रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC भी सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। टीके के परीक्षणों में कभी कभी बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। अंतिम चरण चरण 3 में 10,000 प्रतिभागी शामिल हैं। सबसे पहले वैक्सीन सहित किसी भी नए चिकित्सा उपचार के विशिष्ट दीर्घकालीन प्रभाव अज्ञात हैं। एक वैक्सीन प्राप्त करने के संभावित जोखिम को संतुलित करने के लिए एक कुंजी है जो कोविड-19 को विकसित करने के अज्ञात खतरे के साथ व्यापक परीक्षण से गुजर चुकी है। अल्पावधि में एक व्यक्ति जिसके पास कोविड-19 वैक्सीन है, फ्लू जैसे लक्षण और अन्य दुष्प्रभावों के अनुभव कर सकते हैं, जिसमें शामिल इंजेक्शन स्थल पर दर्द, इंजेक्शन स्थल पर सूजन, थकान, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द, बुखार आना आदि सम्मिलित हैं। टीके की दूसरी खुराक के बाद दुष्प्रभाव और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी। CDC लोगों को किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में अधिकारियों को सूचित करने के लिए भी सुरक्षित नामक स्मार्टफोन आधारित स्वास्थ्य परीक्षक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार आरोग्य सेतु नाम मोबाइल ऐप पर जो लोगों को कोविड-19 के लक्षण आसपास किसी व्यक्ति को तो नहीं है और यह बहुत ही प्रभावी साबित हुई है, यह वैक्सीन के प्रभाव की निगरानी करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत मदद करता है। टीका या अन्य इंजेक्टेबल दवाओं से एलर्जी के किसी व्यक्ति को टीका लगाने से पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बताना चाहिए, जिससे किसी को भी टीका प्राप्त करने के बाद एलर्जी की प्रतिक्रिया है उसे आपातकालीन देखभाल प्राप्त करनी चाहिए। टीका लगवाना। वर्तमान में वैक्सीन की खुराक सीमित है, इस कारण से वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला स्वास्थ्यकर्मी होगा। दीर्घकालीन देखभाल सुविधाओं के निवासियों, पहले उत्तरदाताओं और 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का होगा। जैसे जैसे अधिक खुराक उपलब्ध होगी सभी इसे प्राप्त कर सकेंगे। सभी देशों के नियम अलग अलग हैं, लेकिन जब स्थिति ज़्यादा गंभीर होने पर टीका सभी उम्र के लोगों को लगवाना होगा। कोविड-19 वैक्सीन के प्रकार। शोधकर्ता ने कोविड-19 से बचाव करने वाले टीकों को विकसित किया जो निम्नवत है। पूरे वायरस के टीके, पुनः संयोजक प्रोटीन सबयूनिट टीके, प्रतिकृति अक्षम वेक्टर वैक्सीन, न्यूक्लिक नामक एसिड के टीके। पूरे वायरस का टीका, एक निष्क्रिय या कमजोर वायरस टीके का
रूप में भी माना जाता जाना जाता है। इस प्रकार से वायरस के मृत या सक्रिय रूप होते हैं। ये टीके संक्रमण का कारण नहीं बन सकते क्योंकि उनमें जीवित वायरस नहीं होता। सिनोवैक भारत बायोटेक और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स द्वारा बनाए गए कोविड 19 के टीके इस प्रकार के हैं। पुनः संयोजक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। इस प्रकार के टीके वायरस के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। यह एक संक्रमण का कारण नहीं बन सकता क्योंकि इसमें एक जीवित रोगजनक शामिल नहीं है, जैसे कि वायरस शोधकर्ता इस बात की जान कर रहे हैं कि क्या ये स्पाइक प्रोटीन कहे जाने वाले प्रोटीन को लक्षित करने वाला एक पुनः संयोजक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन बन सकता है, जो कि नए कोरोना वायरस कोशिकाओं को संक्रमित और असंक्रमित करने के लिए उपयोग करता है। नोवॉल्क एक कंपनी है जो इस दृष्टिकोण को ले रही है, नैनो पार्टिकल तकनीक का उपयोग कर रही है। प्राकृतिक अक्षम वेक्टर वैक्सीन। एस्ट्रोजेनिक वैक्सीन, जिसकी कुछ देशों में स्वीकृति है, एक प्राकृतिक अक्षम वेक्टर वैक्सीन है। यह एक हानिरहित कमजोर एडनोवायरस का उपयोग करता है जो कि चिंपैंजी में आम सर्दी का कारण बनता है, जो प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है। वैज्ञानिकों ने फिर वायरस को बदल कर इसे मनुष्य में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया। अन्य टीकों में इस प्रकार का वायरस से सुरक्षित रूप से एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न की। जुलाई 2020 में इस प्रकार के एक इबोला वैक्सीन को मंजूरी मिली और यह आगे कोविड 19 टीकों के लिए आधार प्रदान कर सकता है। यह वैक्सीन शरीर में जीन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसे शरीर प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहयोग करता है। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। इस प्रकार को मारन आधारित टीका भी कहा जाता है। टीकाकरण में लाइव होस्ट कोशिकाओं में mRNA नामक अनुवांशिक सामग्री को इंजेक्ट करना शामिल है। इसमें एक प्रत्येक टीके को एक विशेष रोगजनक को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कोविड 19 वैक्सीन में mRNA में कोरोनावायरस स्पाइक प्रोटीन का निर्माण के निर्देश हैं। टीका प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए इस जानकारी को प्रस्तुत करना और परिणाम स्वरूप वायरस का मुकाबला करने के लिए शरीर एंटीबॉडी को उत्पन्न करता है। फाइजर, बायोनटेक और मॉडर्न ने इस प्रकार का टीका विकसित किया है। टीका कैसे काम करता है? टीका प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट बीमारियों के बचाव के लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए संकेत देता है। दूसरे शब्दों में वे प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि शरीर में पहले से ही यह बीमारी थी। शोधकर्ताओं ने यह पता कर लिया कि व्यक्ति को बीमार किए बिना वैक्सीन को कैसे उपयोग किया जाए। टीकाकरण के बाद व्यक्ति रोग के प्रति प्रतिरक्षा विकसित करता है। उनका शरीर संक्रमण से लड़ सकता है यदि रोगजनक के संपर्क में, जैसे कि उपन्यास कोरोना वायरस होता है। एक प्रभावी वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है बिना इसे ओवरड्राइव में फेंके। एक टीका विकसित करना जो अवांछित दुष्प्रभावों को पैदा किए बिना काम करता है। शोधकर्ताओं के लिए लक्ष्य है टीके के सभी के लिए सुरक्षित होने की आवश्यकता है, जिसमें एलर्जी वाले लोग, छोटे बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाले लोग, महिलाएं, बड़े वयस्क और अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोग शामिल हैं। संक्रमण को रोकना, एक वैक्सीन की प्रतिरक्षा और दूसरों को कोविड 19 से बचाव के लिए अन्य कदम उठाने की आवश्यकता है। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। सार्वजनिक रूप से चेहरा ढकना, एक बार में